वेलकम बैक गाइस, रिलेशन एंड फंक्शंस, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। बट रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में दो एम्प्टी सेट है। पहला एम्प्टी सेट है ए और उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, और दूसरा भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 11, 12, 13 और 14, हमारी मर्जी। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी। क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हमें पता है 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 2, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 14, सिमिलरली फॉर 3 एंड सिमिलरली फॉर 4। सो लाइक दिस, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स। ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा। नाउ दिस सेट इज व्हाट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, चेक करिए भाई, ये जो है ना ये एलिमेंट्स, यही ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा पहले सेट को और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा दूसरे सेट को। इसका मतलब है कि आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को निकाल के चेक कर लो, जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को ही बिलोंग करेगा। कोई भी आप 414 को ले लीजिए, अगर मैं 414 की बात करूँ तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए है और 14 बिलोंग्स टू सेट बी है। इसी प्रकार आप अगर 213 को ले ले तो आप चेक करेंगे कि 2 बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड 13 बीइंग द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि पहला एलिमेंट विल बिलोंग टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेकंड सेट। और हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये जो एक्स है, ये जो पहला एलिमेंट है, इसे हम प्री इमेज कहते हैं और ये जो दूसरा एलिमेंट है इसे हम इमेज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या कहूँगा, y इज द इमेज ऑफ x और x इज द प्री इमेज ऑफ y। सिमिलरली मैं यहाँ क्या कहूँगा कि 14 इज द इमेज ऑफ 4 एंड हियर 13 इज द इमेज ऑफ 2 एंड हियर 13 इज द इमेज ऑफ 1। सो द फर्स्ट एलिमेंट which belongs to the first set is the pre-image and the second element which belongs to the second set B is the image। पर ये इमेज, प्री इमेज, डोमेन, को डोमेन, ये सब हम आगे चेक करेंगे। फिलहाल हम चेक करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ this is not a relation, this is a cartesian product। okay, what is this, this is cartesian product। ab jo relation hai bhai, relation bahut aasan hai, iska hisab aisa hai ki maine agar kaha ki a is related to b, ye a set hai, ye kisi tarike se b set se related hai, to main relation ko define kaise karunga। मैं रिलेशन को मान लीजिए डिफाइन करता हूँ कि ए कॉमा बी, हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट कि ए इज इवन एंड
बी इज ऑड, ओके। इसे पूरा कैसे लिखेंगे हम? हम लिखेंगे ए इज इवन एंड बी इज ऑड। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, जो पहली वैल्यू होगी ए, वो कहाँ से बिलोंग करेगी? पहले सेट से। एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी, और ये जो बी वैल्यू है ये कहाँ से बिलोंग करेगी? सेट बी से। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से। तो भैया ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया, और अब हम इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं। बताइए ए पहले सेट से बिलोंग करेगा तो ए इवन होगा, वन तो नहीं होगा, टू होगा, और बी कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। सो 2 11 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 13 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 बस, क्योंकि 14 और 12 तो क्या है? इवन है, और हमें बी कैसा चाहिए? जो दूसरा वाला नंबर है वो हमें ऑड चाहिए। ए कैसा चाहिए? इवन चाहिए। तो 3 नहीं आएगा, अब 4 और 11 आ जाएगा, और 4 और 13 आ जाएगा। आई होप ये तो अब आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। आसान नहीं है फिर भी समझ सकते हैं। तो भैया ये रिलेशन हो गया, ठीक है। एक और रिलेशन हम क्या बना सकते हैं कि ए इवन है या ए ऑड है और बी ऑड है। एक और रिलेशन हमने क्या बनाया, इसे आर वन नाम देते हैं, और एक आर टू रिलेशन हमने बनाया, उसमें ए भी ऑड है और बी भी ऑड है। तो बताइए क्या क्या आ जाएगा? पहले में 1 11 1 13 और 3 11 और 3 13 खत्म, ओके। सो ये हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया। अब रिलेशन को हमने मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में जो डिफाइन कर दिया, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पर एक चीज़ हम यहाँ पे नोट करते हैं कि रिलेशन, दो अलग अलग रिलेशन है हमारे पास में। ये पहले रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं 2 11 2 13 4 11 4 13, चेक करिए क्या ये सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है क्या। तो 2 11 जी हाँ है, 2 13 भी है, 4 13 भी है, और 4 11 भी है। अरे वाह, R2 के लिए भी ऐसा ही होगा। आप चेक करिए ये भी रिलेशन के सारे एलिमेंट्स सेट के यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या? अब हम रिलेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही बात है ना भाई? कोई भी रिलेशन देख लो, R1 हो या R2 हो, अगर ये रिलेशन के सारे एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि दिस R1 इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस R2 इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो अब से हम ऐसा समझेंगे कि जितने भी रिलेशन आप बना लीजिए, ठीक है, इन दोनों सेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो इन दोनों सेट की हिसाब से बनाया है, और रिलेशन भी मैं किन दो सेट पे डिफाइन कर रहा हूँ? उन्हीं दोनों सेट पे जिनसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है। अब मैं इन दोनों सेट की बात कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों सेट में कोई भी रिलेशन डिफाइन करूँ। जैसे मैंने पहले एक रिलेशन डिफाइन किया कि भैया पहला एलिमेंट जो है ए वो इवन होना चाहिए और जो बी है वो ऑड होना चाहिए, और तो और जो ए है वो भैया ए सेट से बिलोंग करेगा, मतलब ए का वैल्यू 1 2 3 4 ही हो सकता है, और जो बी है भैया वो हमारा बी ऑड होना चाहिए, सो दैट द बी बिलोंग्स टू बी सेट एंड द वैल्यू ऑफ बी क
could be only 11, 12, 13 and 14. And you can see in the relation कि b का value 11, 12, 13, 14 के अलावा कुछ नहीं रहा है. b मतलब second element, second element मतलब image. okay, check करिए. same goes for this one. so what my point is that every relation between these two set will be a subset of the Cartesian product of those two sets जिनके बीच में हमें relation establish करना है. अब बात ये आती है कि भैया मैंने ये दो relation आपको बना के बताए, ऐसे में कितने relation बना सकता हूँ इन दोनों set के बीच में, है ना. एक question ऐसा आएगा कि how many relations can be established between this set A having 4 number of elements and this set B having 4 number of elements. So guys, in 11th standard we learned that number of relations is equals to 2 to the power PQ. What is P? P is the number of elements in set A, in this case it is 4, and Q is the number of elements of set B. Number of elements of set B, that is also 4. So for this particular sets हम कितने number of relation बना सकते हैं? 2 to the power 4 into 4, 16, which is a very huge number, and it is impractical कि हम इतने relation बना के सही में check करेंगे क्या? भाई पागल हो गए हो? हाँ, पर number of relation इन दोनों set में कितने हो जाएंगे? 2 to the power 16 by the formula 2 to the power PQ. So now this is relation. Okay, अब मैं ये relation को ऐसा ही रहने देता हूँ. मैं अब आपको function बताता हूँ, ठीक है. मैं ये दो relation जो है R1 और R2 को यहाँ कहीं पर उनके रोस्टर फॉर्म में लिख के छोड़ रहा हूँ. तो आप याद रखेंगे R1 और R2 रिलेशन है. सो गाइस, जो रिलेशन है पहला वाला ये उसके ऑर्डर्ड पेयर्स है, और जो रिलेशन है दूसरा वाला ये उसके ऑर्डर्ड पेयर है. पहला वाला रिलेशन ये था कि जो पहला एलिमेंट है वो इवन होगा और दूसरा एलिमेंट ऑड होगा, और दूसरा वाला रिलेशन ये था कि दोनों नंबर ऑड होंगे. और पहला जो नंबर है वो तो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और दूसरा जो इमेज है वो बी से बिलोंग करेगा. मैं बी में एक और एलिमेंट अभी ऐड कर देता हूँ, वो है 15. अगर मान के चलिए मैंने ऐड कर दिया, खैर अभी नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा और आपको समझाऊँगा कि मैं क्यों ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है. अब हम चेक करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं. वॉट आर फंक्शंस? तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि फंक्शंस भी एक टाइप ऑफ रिलेशन ही है. जैसे रिलेशन है ना, वैसे ही फंक्शन होते हैं. कैसे लिखते हैं फंक्शन को? ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी. इसका मतलब है ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज सच दैट एफ इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा हमें? ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, क्योंकि दो सेट के रिलेशन को हम बता रहे हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक टाइप का है तो रिलेशन ही. बट हम इसे फंक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है. तो ए भी हमें मिलेगा सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 या ए प्लस 11, ठीक है. ओके, और जो ए है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए की सारी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी? सेट ए से. एंड बी की सारी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी? सेट बी से. अब ध्यान से देखिए, अगर ये फर्क आपको समझ में आ गया तो आपको रिलेशन और फंक्शन में बहुत अच्छे से हमेशा के लिए फर्क समझ में आ जाएगा. अब चेक करिए, ये फंक्शन है. मैं पहले ये फंक्शन के रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेता हूँ. तो बताइए ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है?
हमने फंक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा ए का वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से। तो मैं सेट ए पे चले जाता हूँ, ये रहा हमारा सेट ए, ये इधर, हाँ ये वाला। तो ए का वैल्यू सबसे पहले होगा वन अगर, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वन प्लस इलेवन ट्वेल्व, और ट्वेल्व जो है बी, ये सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। क्या ट्वेल्व बिलोंग करता है बी से? जी हाँ, वेरी गुड। सेकेंड, अब ए का वैल्यू वन के बाद क्या हो सकता है? टू हो सकता है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? थर्टीन, थर्टीन बी में है, चलेगा। फिर ए का वैल्यू क्या हो सकता है? थ्री, और ए का वैल्यू थ्री हो सकता है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा फोर्टीन, चलेगा। फिर ए का वैल्यू फोर हो सकता है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? फिफ्टीन, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो फिफ्टीन है ये बी की जगह पर आया है, और बी इस बड़े वाले बी सेट से बिलोंग करना ज़रूरी है, इसीलिए ये इनवैलिड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। पर अगर यहाँ मैंने 15 लिखा होता तो वो भी वैलिड एक ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक है। तो ये भैया हमारा एक फंक्शन आ गया। अब ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर ये पहला वाला प्री इमेज है और ये वाला इमेज है, तो फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में है क्या क्या है? 112, 213, 314। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट बीन रिपीटेड, चेक करिए। मतलब मैंने एक बार यहाँ एक ही जगह वन को डाला तो उसका वन का एक ही इमेज मिला मेरे को, ट्वेल्व। फिर ऐसा नहीं है कि वन को मैंने डाला तो मुझे थर्टीन भी मिला, फोर्टीन भी मिला, नहीं, मैंने वन को डाला तो ट्वेल्व ही मिला, मैंने टू को पुट किया तो थर्टीन ही मिला। पर रिलेशन में चेक करिए, अगर मैंने वन को डाला तो इलेवन भी आ सकता है, और वन को डाला तो थर्टीन भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर फंक्शन में टू पुट किया तो थर्टीन मिला, रिलेशन में टू में इलेवन भी आ रहा है, टू में थर्टीन भी आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट रिलेशन में होता है, फंक्शन में नहीं होता है, ठीक है। और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर टू की इमेज कौन है? यहाँ पर टू का इमेज है इलेवन इसके हिसाब से, और टू का इमेज है थर्टीन भी। मतलब एक प्री इमेज के कितने इमेज हो गए? दो। और यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर एक प्री इमेज का एक ही इमेज है, फिर वन दोबारा आया ही नहीं, तो उसका दूसरा इमेज तो होगा ही नहीं। पर यहाँ पे टू का इमेज इलेवन है, तो टू का इमेज थर्टीन भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि फंक्शंस आर द रिलेशंस इन विच नो टू ordered pairs, in which no two ordered pairs have same images. No two ordered pair have same, not same images. मतलब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ functions में एक प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकते। सो फंक्शंस आर द रिलेशंस इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जो पहला एलिमेंट है
वो सेम नहीं होगा फंक्शन में, रिलेशन में हो सकता है टू है टू है, यहाँ पर वन एक बार आ गया तो वन दोबारा नहीं आएगा, टू एक बार आ गया तो टू दोबारा आएगा ही नहीं। इसका मतलब है वन का एक ही इमेज है और टू का भी एक ही इमेज है और थ्री का भी एक ही इमेज है, पर यहाँ थ्री के दो इमेज आ गए। सो देयर इज ओनली वन इमेज ऑफ एवरी प्री इमेज इन फंक्शंस। काइंडली नोट देयर इज ओनली वन इमेज, वन इमेज फॉर एवरी वन प्री इमेज। पर यहां पर प्री इमेज एक हो सकते हैं और उसके दो इमेज हो सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशंस। ओके नाउ ये जो फंक्शन है ये क्या है, रिलेशन। और रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम कितने रिलेशन बना सकते हैं हमने वो भी चेक किया। तो हमें दो सेट गिवन रहते हैं, हमें ये दो सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते आना चाहिए जो हमने निकाला, और फिर हम इससे कोई भी रिलेशन अगर गिवन है तो उससे हम उसके रोस्टर फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं या हम खुद कोई रिलेशन इन दोनों सेट के बीच में बना सकते हैं। और फिर वो रिलेशन को हम चेक करते हैं तो वो रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसलिए हम कहते हैं कि द रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे मैंने अभी मिटा दिया। ठीक है, और रिलेशन में हमने चेक किया कि एक ही प्री इमेज के दो इमेजेस हो सकते हैं, पर फंक्शन में हमने चेक किया कि नहीं, एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा, एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। ओके, और इसके अलावा हम अब चेक करेंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। अब देखिए, डोमेन होता है ये पूरा का पूरा पहला सेट, दैट इज वन टू थ्री फोर, दिस इज द डोमेन। ओके, वन टू थ्री फोर यूज नहीं हुआ है क्योंकि उसकी वजह से जो बी का वैल्यू आ रहा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। रेंज मतलब ये जो सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज 12, 13 एंड 14, द सेट ऑफ इमेजेस इज रेंज। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ इमेजेस जो होता है किसी भी फंक्शन में वही क्या होता है, वही हमारा रेंज होता है। तो देखिए, इमेज वन का इमेज 12, टू का इमेज 13 और थ्री का इमेज 14, ये हुआ हमारा रेंज। और कोडोमेन होगा ये पूरा सेट बी, फिर उसमें 14 यूज 11 यूज नहीं हुआ है, चलेगा कोई बात नहीं है, पर वो कोडोमेन में आएगा। और कोडोमेन में जो हमारा इमेज बना है वो रेंज में आ जाएगा, इसलिए यहाँ 11 नहीं आएगा। सो गाइस, ये प्रायर नॉलेज आप लोगों को होना जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, नमस्कार।